बंगाल में कहीं पे चल रही है शांतिपूर्ण वोटिंग तो कहीं पे बना हुआ है हिंसा का माहौल। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज सुबह से ही बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। विभिन्न स्थानों पर मतदान की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से की जा रही है। कहीं सिविक वॉलंटियर तो कहीं केंद्र सेना की निगरानी में मतदान चल रहा है। अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक विभिन्न स्थानों की वोटिंग की तस्वीरें पहुंचाएंगे। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कई स्थानों पर स्थिति बहुत ही खराब देखी जा रही है। इसके साथ ही पहाड़ों में भी काफी लंबे समय के बाद मतदान करते नजर आए मतदाता। सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल की। राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा के बीच आज पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच मतदान के दौरान मतपत्र लूटने की खबरों के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस मतदान का निरीक्षण करने के लिए राजभवन से बाहर निकले। वे आज उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर 2 नंबर ब्लॉक के वासुदेव ग्राम पंचायत क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। दूसरी ओर बात करें उत्तर दिनाजपुर की, तो उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में तृणमूल कार्यकर्ता मुजफ्फर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे बागी विधायक करीम चौधरी के समर्थकों का हाथ होने की जानकारी मिली है। वहीं ग्वालपोखर के चोपड़ा इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप निर्दलीय पर लगा है। घटना ग्वालपोखर के चोपड़ा के बूथ नंबर 145 पर हुई। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर प्रखंड के भाटपोखर स्थित बूथ संख्या 78 पर बड़े पैमाने पर छप्पा वोट की शिकायतें भी मिली है। अब अगर बात करें कुछ बिहार की, तो कुछ बिहार की कुछ खबरें ऐसी आ रही है। कुछ बिहार के 1 नंबर ब्लॉक के फोलीमारी ग्राम पंचायत इलाका चुनाव के कुछ घंटों पहले रण क्षेत्र में बदल गया। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की गोली मारकर हत्या करने का आरोप सामने आया है। वहीं कुछ बिहार में वोट डालने में बाधा देने का विरोध करने पर एक मतदाता का सिर फोड़ दिया गया। ऐसे ही खबरें मतदान के दौरान मालदा से भी आई है, जहां मालदा के मानिकचक ग्राम पंचायत के जिसार्द टोला इलाके में भारी बमबारी की खबर है। बमबारी के पीछे सत्ताधारी तृणमूल समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अन्य जगहों की बात करें तो दक्षिण 24 परगना केचरपुर ग्राम पंचायत की उम्मीदवार स्मृति बैरागी और उनके पति पर तृणमूल के कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। अब आते हैं सिलीगुड़ी की खबरों की तरफ। यहाँ पे माहौल कुछ गर्म और कुछ नर्म देखी गई। सिलीगुड़ी के सालुगरा हाई स्कूल में वोट डाले जा रहे हैं। इसी सीट पर 4 पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना बताई जा रही है। दूसरी ओर एक वृद्ध महिला को मतदान केंद्र ले जाने को लेकर यहां कुछ देर तनाव देखा गया। पंचायत चुनाव को लेकर सिलीगुड़ी के सन्यासी काटा में भारी बवाल देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन हालत को सामान्य करने में जुटे है। सिलीगुड़ी के इलाकों में आज सुबह से ही पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। फुलबाड़ी के अमरदीघी स्कूल में 304 नंबर बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी 1 नंबर पूराझार ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 102 पर निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल बर्मन पर समर्थकों ने तृणमूल उम्मीदवार के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया। वहीं अगर जलपाईगुड़ी जिले की बात करें तो जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट में तेलीपारा इलाके में लाइन में खड़े मतदाताओं को पुलिस अधिकारी ने किया आश्वासित। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक में बाउलमारी नंदन ग्राम पंचायत के कछुआ बूथ नंबर संख्या 102 पर मतपत्र चोरी होने की शिकायत मिली है। इलाके में भारी तनाव का माहौल देखा गया। सुबह से ही जलपाईगुड़ी में बारिश जारी है। हालांकि जलपाईगुड़ी के विभिन्न बूथों पर लोग बारिश की परवाह किए बगैर पंचायत चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे। दुलाल मल्लिक के पिता का 11 दिन पहले निधन हो गया था। आज श्राद्ध का काम है। काम की व्यवस्था के कारण वोट न चुके, इसीलिए दुलाल मलिक सुबह जल्दी वोट देने पहुंचे। इलाके के मतदाताओं ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाया। उन्होंने दुलाल मलिक की सबसे पहले मतदान करने की व्यवस्था की। अब बात करते हैं पहाड़।
पहाड़ों में पंचायत चुनाव की, तो पूरे राज्य में हिंसा के बीच पहाड़ पर चल रहा शांतिपूर्ण मतदान। बारिश के बावजूद दार्जिलिंग जिले के सुकना में केंद्रीय बलों के बिना मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। मिरिक समतल इलाके के साथ साथ पहाड़ी इलाके में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। वोट देने के लिए काफी संख्या में लोग मतदान केंद्र में कतार में खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall decoration from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। नागालैंड सरकार 200 बाय मंथली लॉटरी। पहला पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहले पुरस्कार केवल बिक्री बैगर टिकट और बांटा। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches, salary 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday, at Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. सिद्वाप सिलीगुड़ी 9434023813। सम्झन होस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।